वेलकम बैक टू माय चैनल विवेक पांडे में आप सभी का स्वागत है। अगर आपको रुमाल की मदद से कान्हा जी के लिए ऐसे ड्रेस तैयार करना है तो बहुत ही आसानी से तैयार हो जाता है। आप बहुत ही आसानी से इस ड्रेस को तैयार कर सकते हैं और मैं इसके साथ आपको टोपी बनाना भी कान्हा जी के लिए बताऊंगी। तो इसको तैयार करने में कोई ही नहीं, मैंने सुई धागे से इसको तैयार किया है और मैं आप लोगों के साथ ये वीडियो अपना शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और देखिए कितना सुंदर ड्रेस है कान्हा जी के लिए। तो प्लीज़ आप भी इसे बनाएं और बहुत ही आसानी से बन जाता है। ये देखिए, ये हमने गोल कट कर लिया है रुमाल की मदद से और मैं रुमाल का बना रही हूँ। मैंने इस प्लेट की मदद से इसको कट किया है और अब मैं इसमें छोटा सा कमर रखूँगी। मैं कान्हा जी की कमर की नाप ले लूँगी और इसमें कमर रखूँगी। कमर के लिए हम ऐसे निशान मार लेंगे। ये देखिए, हम ऐसे कमर का निशान मार लेंगे और इसको हम कट कर लेंगे। मैं आपको कट कर रही हूँ, फिर दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने इसका कमर कट कर लिया है और मैं इसको अब बीच से कट कर दूँगी यहाँ पे। और मैं इसको भी यहाँ पे ऐसे करके और कट कर दूंगी। ये मैंने कट कर लिया है और अब मैं इसकी पूरी गुलाई की स्टिचिंग कर दूंगी ऐसे। इसके लिए मैंने सुई धागे की मदद ली है, ये देखिए। अब मैं इसको छोटा छोटा सा करके स्टिच कर दूंगी। मैं यहाँ से मैं लूंगी और बारीक सा ले लेके और मैं पूरे में अच्छे से स्टिच कर दूंगी। ये देखिए, ये पूरी की स्टिच हो चुकी है। मैंने सुई से इसकी पूरा कवरअप कर दिया है और अब मैं इसका रुमाल का जो बचा हुआ पार्ट्स है मैं उसको लूँगी और इसको मैंने इसे फोल्ड कर लिया। और मुझे इसमें से कितना चाहिए चूली के लिए मैं वो देख, और मैं 2 इंच मैं 1.5 इंच ले लूंगी। मैं इस पे ऐसे निशान लगा दूंगी और मैं इसको कट कर लूंगी। मैंने कट कर ली है और मैं इसको अब बीच से हाफ कर दूंगी। ये देखिए, मैंने इसको बीच से कट कर दी है और अब मैं इसकी स्टिच कर दूंगी। मैं यहाँ से और यहाँ तक इसको स्टिच कर दूंगी। यहाँ पे मैं इसको अच्छे से लॉक कर लूंगी और मैं स्टिच शुरू कर दूंगी। ये देखिए, मैं इसको अच्छे से स्टिच कर ले रही हूँ। ये देखिए, मैंने इसको स्टिच कर दिया है। अब मैं यहाँ इसमें इसको ऐसे रखूँगी और इसका बीच का सेंटर लूँगी ऐसे करके सीधा करके, और मैं इसका बीच का ये सेंटर लूँगी और इसके बाद मैं इसको पीछे से ऐसे करके या ऐसे ही जोड़ देंगे, ऐसे ऐसे करके मैं इसको जोड़ दूँगी। ये देखिए, मैंने ये स्टिच इधर से इधर कर दिया है। ये देखिए, अब मैं इसको इसको बी शेप का गला दे दूँगी। यहाँ पर मैं स्टिच कर दूँगी थोड़ा सा मोड़ के, और जिससे कि ये खुले भी ना, इसके तागे अलग ना हो, तो मैं यहाँ पे स्टिचिंग कर लूँगी। सेम इधर भी ऐसे ही।
इसके बाद में अभी होने के बाद अब मैं इसको ऐसे स्टिच कर दूंगी पीछे से इधर और इधर। मैं आपको स्टिच करके दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पे स्टिच कर दिया था। अब इसका लुक कुछ इस प्रकार है। यहाँ पर कुछ ज़्यादा खुला खुला सा लग रहा है तो हम क्या करेंगे इसको पीछे करेंगे ऐसे बैक में और यहाँ पर हम इसके थोड़ा थोड़ा सा स्टिच कर देंगे। ये देखिए ऐसे ही हम इसको स्टिच कर देंगे। सेम इस तरह इधर भी कर देंगे। सेम दूसरी तरफ भी हम इधर आएंगे और ये स्टिच कर देंगे। बहुत जल्दी और बहुत ही आसानी से रुमाल से कान्हा जी के लिए हम ठंडी के कपड़े बना सकते हैं जो काफ़ी सॉफ्ट भी होते हैं और उन्हें पहनने में आराम भी रहेगा। इसलिए तो आप भी अपने कान्हा जी के लिए ऐसे ही बना सकते हैं। देखिए बहुत आसानी से ये बन गया है और टाइम भी ज़्यादा नहीं लगा है हमें बनाने में। देखिए ये हमारे कान्हा जी का ड्रेस रेडी हो गया।